जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि आज 29 सितंबर से सांवेर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर को, नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को, नामांकन वापस की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर को रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 नवंबर को सांवेर विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान किया जाएगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि सांवेर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,05,512 रही, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 12,08,745 है। ट्रांसजेंडर 2 मतदाता हैं। श्री सिंह ने बताया कि सांवेर विधानसभा उपचुनाव के लिए 284 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत आयोग के निर्देशानुसार 1000 मतदाताओं से अधिक वाले मतदान केंद्रों को तोड़कर कुल 96 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार 380 मतदान केंद्र रहेंगे। ईपी रेशियो होता है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो या मतदाता जनसंख्या अनुपात, ये भी सांवेर का 67.50 है। जो फिजिकली चैलेंज जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं और उनकी कुल संख्या 1743 है, 1743 हैं, और 80 प्लस आयु के लोग हैं 3283। इनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें पीडब्ल्यूडी वोटर्स या 80 प्लस वोटर्स या जो ऐसे वोटर्स जिनको कोविड का सस्पेक्टेड है या कोविड पॉजिटिव है, वो लोग पोस्टल बैलेट से भी बैलेटिंग कर सकेंगे। वो उनको एक फैसिलिटी दी गई है, वो चाहें तो आ भी सकते हैं वहाँ पर उनको एक अतिरिक्त फैसिलिटी इस बार दी है, विशेष तौर पर पीडब्ल्यूडी के लिए और 80 प्लस के लिए और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के लिए। सकते हैं 100 व्यक्ति से ज़्यादा अगर उल्लंघन होता है तो वो धारा 188 में वो उल्लंघनीय अपराध होगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के जो अलग अलग काफिले जाएंगे उसमें आवश्यक है कि 5 गाड़ियां एक साथ उससे ज़्यादा ना हो, और 5 गाड़ियों के बाद दूसरा जो इनका गाड़ियों का जो कारकेट जाएगा उसमें लगभग आधे घंटे की दूरी होनी चाहिए। इसको भी उल्लंघन करने पर उसमें आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। लाइसेंस इन टोटल 2543 अनुज्ञप्ति धारी हैं और इनके पास 2595 आर्म्स हैं, मतलब 2543 लाइसेंस हैं और 2543 लाइसेंसेज में 2595 लाइसेंसेज हैं, और इसको हम लोग जमा कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को छूट ऑलरेडी मिली हुई है। आर्मी सेवा में लगे अधिकारी हैं, मिलिट्री है, इन सब सर्विसेज हैं, पुलिस के हैं, बैंक में जो आर्म गार्ड लगी रहती है, कई कैटेगरी है जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी छूट दे रखी है, उनको छोड़ के बाकी सभी के आदेश जारी कर दिए गए हैं शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के।